सिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल नंबर टू बेसिकली जो मॉड्यूल नंबर वन था उसके अंदर हमने देखा एक्सट्रॉनोमी के बारे में हमने क्लासीफिकेशन के बारे में देखा अब हम सिस्टमैटिक्स के बारे में देखेंगे कि सिस्टमैटिक्स क्या है बेसिकली सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप अमंगल्व बेसिकली इसके अंदर हम ऑर्गम्स की डायवर्सिटी को भी स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उनमें क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बेसिकली सिस्टमेटिक्स की जो टर्म है ये सिमसन ने इंट्रोड्यूस करवाई 1961 के अंदर सिम्सन एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे कोलंबिया के अंदर इन्होंने ये देखा कि ऑर्गेजम्स को हम ना सिर्फ डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं बल्कि ऑर्गेजम्स के अंदर हम रिलेशनशिप्स को भी स्टडी कर सकते हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं अब जो सिस्टमेटिक्स है इसके एम क्या है बेसिकली इसका पहला एम ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने डिस्कवर करें कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हमारे जमीन पर मौजूद हैं दूसरा जो इसका एम है टू प्रोवाइड मैथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो तीसरा इसका एम है टू प्रोड्यूस ए कोरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसका जो लास्ट एम है डिमॉन्स्ट्रेट एवोल्यूशनरी एम्प्लीकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं तो इसमें जो पहला कॉम्पोनेंट है वो है बायोडावर्सिटी बायोडाइवर्सिटी से क्या बायोडेवर्स है कि ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटी है इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में स्टडी करते हैं कि कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन के ऊपर इसी तरीके से जो टेक्सोनोमी है जिसके बारे में हमने मॉड्यूल वन के अंदर भी डिस्कस किया कि बेसिकली इट इज थीरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें हम ऑर्गेजम्स को क्लासिफाई करते हैं नेक्स्ट जो इसका कॉम्पोनेंट है वो है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज बेसिकली भी हमने मॉड्यूल वन के अंदर किया था कि इसमें हम ऑर्गजम्स को उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसिस की बेस के ऊपर मुख्तफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि ऑर्गजम्स की स्टडी आसान भी हो और कन्वीनियंट भी हो इसी तरीके से जो नेक्स्ट कंपोनेंट है नोमन क्लेचर नोम क्लेचर के अंदर बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं इसमें जो एक कॉमन मेथड है वो बाइनोमलेचर है बाइनोमियन नोम क्लेचर के अंदर हम एक ऑर्गेज को जब नाम देते हैं तो इसके नाम के दो हिस्से होते हैं इसका पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है जबकि दूसरा नाम उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा साइंटिफिक नेम होमो सेपियन है इसमें होमो जीनस और सेपियन स्पीशीज है इसी तरीके से फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है राना टैगरीना तो राना यहां पे जीनस है और टैगरीना उसकी स्पीशीज है इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बायोजियोग्राफी बेसिकली बायो लाइफ जियो जमीन और ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारी जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो स्टडी है उसको बायो जियोग्राफी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेजम ऑन आवर प्लान अर्थ और आखिरी जो कंपोनेंट है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम उन तमाम प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जो कि एवोल्यूशन का सबब बनते हैं जिससे ऑर्गेम्स के अंदर डाइवर्सिटी आती है जैसे नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करें इसी तरीके से हम स्पीशीएशन की बात करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कैसे इवॉल्व होती है क्या एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के अंदर जब तब्दील होती है तो पहली स्पीशीज खत्म हो जाती है या पहली स्पीशीज भी मौजूद रहती है और उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म नई स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस चीज को हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है कैटेगरी कैटेगरी बेसिकली एक लेवल है एक रैंक है एक हायर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जब हम ऑर्जम्स को किंगडम से लेके स्पीशीज तक हम मुख्तलिफ उसके रैंक्स रखते हैं तो इसमें जो हर रैंक है हर लेवल है एक कैटेगरी कहलाता है ये कैटेगरी बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है एक कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा टैक्सॉन हो सकते हैं अगर आप इस स्लाइड के अंदर देखें तो यहां पे किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज तक जो है डिफरेंट रैंक्स दिखाए गए हैं ये तमाम रैंक्स कैटेगरी कहलाते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो टैक्सोन है टेक्सोन क्या है टेक्सोन बेसिकली एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म्स का जो आपस में मिलते जुलते हों ये एक रियल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ये एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म नहीं है जैसे कि कैटेगरी होती है यहां पे अगर हम देखें तो सॉन्ग बर्ड्स ब्लू बर्ड्स इसी तरीके से वर्टिब्रेट का ग्रुप ये सारे के सारे टेक्सॉन हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें रॉबिन्स रॉबिन्स एक बर्ड्स का ग्रुप है तो यह भी एक टेक्सॉन है लेकिन अगर हम रॉबिन की स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशीज एक कैटेगरी है बेसिकली जो टेक्सॉन है ये एक कंक्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जबकि जो कैटेगरी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है जो कि एक लेवल या एक हायरकी के अंदर एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है